है जहां एपीओ हो चुके आईएएस राजेंद्र विजय से लंबी पूछताछ अब समाप्त हो गई है। कोटा एसीबी ने करीब 8 से 9 घंटे तक राजेंद्र विजय से पूछताछ की। आईएएस के साथ उनकी पत्नी भी पूछताछ के दौरान मौजूद रही। सर्किट हाउस के वीआईपी कमरा नंबर 1 में पूछताछ की गई। एएसपी विजय स्वर्णकार और मुकुल शर्मा की टीम ने कार्रवाई की। राजेंद्र विजय के आवास कार्यालय की तलाशी ली गई। पूछताछ के बाद सर्किट हाउस में ही राजेंद्र विजय को छोड़ दिया है। जब्त दस्तावेज और सर्च सामग्री को लिस्टिंग कर मुख्यालय भेज दिया गया। एएसपी विजय स्वर्णकार की टीम की कार्रवाई, राजेंद्र विजय के आवास और कार्यालय की तलाशी ली गई और इस तलाशी के दौरान जो डॉक्यूमेंट्स मिले उन्हें भी भेज दिया गया आगे जांच के लिए। पूछताछ के बाद सर्किट हाउस में राजेंद्र विजय को छोड़ा गया है, रखा गया है। दस्तावेज सर्च सामग्री को लिस्टिंग करके मुख्यालय भेज दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर कोटा से। कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर, एपीओ हो चुके आईएएस राजेंद्र विजय से पूछताछ का दौर जारी। लंबी पूछताछ एसीबी ने की, 8 से 9 घंटे तक राजेंद्र विजय से पूछताछ की गई। आईएएस के साथ उनकी पत्नी भी पूछताछ के दौरान मौजूद रही। एसीबी की पूछताछ सर्किट हाउस के वीआईपी कमरा नंबर 1 में हुई। इसके बाद राजेंद्र विजय को सर्किट हाउस में छोड़ा गया। एसपी विजय सरकार और मुकुल शर्मा की टीम ने, राजेंद्र भारद्वाज मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, पूछताछ की गई राजेंद्र विजय से, एपीओ जो हो चुके हैं उनकी पत्नी भी इस दौरान मौजूद रही। क्या कुछ पूछताछ के दौरान सामने आया, कुछ दस्तावेज जब्त किए गए हैं, इनके बारे में भी बताइए राजेंद्र। देखिए, अगर बात की जाए राजेंद्र विजय आईएएस की, तो आज इनको राज्य सरकार के द्वारा एपीओ कर दिया गया है और साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि आय से अधिक संपत्ति और पद के दुरुपयोग का यह पूरा मामला था। इस मामले को लेकर एसीबी ने आईएएस राजेंद्र विजय के 4 ठिकानों पर यहाँ पर दबिश दी थी। कोटा की में 2 ठिकानों पर यहाँ पर दबिश दी थी। फिलहाल अगर कोटा की बात करें तो 25 तारीख को ही इन्होंने पदभार संभाला था संभागीय आयुक्त का, और फिलहाल ये सर्किट हाउस में ही निवास कर रहे थे। कमरा नंबर 1 में जो वीआईपी कमरा है उसमें इनसे पूछताछ की। एसीबी के अधिकारी विजय स्वर्णकार वहां पर मौजूद रहे और जयपुर से और जो दौसा से टीम आई थी वो वहां पर मौजूद रही। फिलहाल सबसे बड़ा अपडेट ये है कि राजेंद्र विजय को जो यहाँ पर सर्किट हाउस में ही छोड़ा गया है उनसे पूछताछ जरूर की गई है, मगर पूछताछ में यहाँ पर कुछ ज्यादा चीजें निकल कर सामने नहीं आई है। हाँ, ये जरूर बात है कि एसीबी के द्वारा कई दस्तावेजों को लिस्टिंग किया गया है। लिस्टिंग करने के बाद में जब उनके कार्यालय पर भी चेकिंग हुई तो कार्यालय पे एडिशनल एसपी मुकुल शर्मा के द्वारा कार्रवाई की गई थी। वहां पर एडिशनल एसपी मुकुल शर्मा को पहुंचाया गया था और सर्किट हाउस में जो एडिशनल एसपी विजय स्वर्णकार के नेतृत्व में कार्रवाई हुई थी। मगर फिलहाल अगर बात की जाए इस पूरी कार्रवाई की, तो ये कार्रवाई का जो दौर है वो 8 से 9 घंटे चला और 8 से 9 घंटे चलने के बाद में फिलहाल कार्रवाई समाप्त हो गई है और आईएएस राजेंद्र विजय को कमरा नंबर 1 सर्किट हाउस वीआईपी रूम में ही छोड़ा गया है। वहां उनकी पत्नी भी मौजूद थी, पत्नी के सामने उनसे पूछताछ की गई, उसके बाद में उनको वहां पर छोड़ा गया है। जी सुमित, ठीक है, शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। आईएएस राजेंद्र विजय के ठिकानों पर एसीबी की रेड हुई। राजेंद्र विजय कोटा के संभागीय आयुक्त के तौर पर कार्य कर रहे थे। एसीबी की कार्रवाई के बाद राजेंद्र विजय को आगामी आदेशों तक एपीओ कर दिया गया है। कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि एसीबी को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद एसीबी ने राजेंद्र विजय के ठिकानों पर छापेमारी की। जयपुर में एसीबी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। तस्वीरें जयपुर की है जहां पर जो एसीबी की टीम है उन्होंने कार्रवाई की है और आप देख सकते हैं राजेंद्र विजय जो आईएएस है, कोटा के संभागीय आयुक्त है, वो उनका ये आवास है। उनके आवास पर जो एसीबी की छापेमारी है वो लगातार जारी है। देखिए, जयपुर सहित अगर कोटा की बात की जाए तो वहाँ पर भी राजेंद्र विजय जो आईएएस है उनके
उनके जो ठिकाने हैं उन पर कार्रवाई जारी है, और दौसा में भी कह सकते हैं कि जो राजेंद्र विजय है उनके ठिकानों पर किसी भी की कार्रवाई जारी है। देखिए आप ये आलिशान मकान जो है ये देख सकते हैं, ये राजेंद्र विजय है, IAS है, कोटा में संभागीय आयुक्त के तौर पर कार्यरत थे, और इसी के जस्ट बराबर में जो मकान आप देख रहे हैं वो भी IAS राजेंद्र विजय का है, और तमाम जो ACB की जो टीम है वो लगातार यहाँ कार्रवाई कर रही है, और आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से जो मकान है वो यहाँ पर ACB के कब्जे में है अभी। और कुछ देर पहले यहाँ पर तस्वीरें दिखी थी कि जो ACB की टीम है उन्होंने मकान का नापतोल भी किया है, और मकान की कितनी कह सकते हैं कि यहाँ पर रेट है उसका भी अंदाज़ा लगाने के जो प्रयास है वो ACB की टीम ने किया है। देखना होगा कि ACB की जो कार्रवाई है उसमें कितनी संपत्ति जो है वो IAS राजेंद्र विजय की आती है। कैमरा पर्सन संजय कुमरे के साथ सचिन शर्मा, जी मीडिया।